पहले बात दिवाली पर कर्मचारियों को मिले गिफ्ट की हम करेंगे। मोदी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली के त्योहार पर डबल खुशी दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों के लिए दिवाली पर एडवांस सैलरी के साथ ही महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया। कर्मचारियों को बड़े महंगाई भत्ते की सौगात देते हुए जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता लागू भी कर दिया गया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। यही नहीं, इसे 1 जनवरी 2024 से लागू भी कर दिया गया है। यानी अब सरकारी कर्मचारियों को 9 महीने का एरियर दिया जाएगा। तो खुशखबरी बड़ी, दिवाली का गिफ्ट कर्मचारियों को मिला है। मोहन सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली के त्योहार पर डबल खुशी दी है। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों के लिए दिवाली पर एडवांस सैलरी के साथ ही महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया। यानी कि दिवाली का त्यौहार अब और धूमधाम से सरकारी कर्मचारियों का मनाया जाएगा, चूंकि न केवल सैलरी समय से पहले हाथ आ गई है बल्कि महंगाई भत्ता भी और बढ़ गया है। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसको भी बढ़ाने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। खासकर इसकी बधाई डबल तब हो जाती है जब दीपावली भी है और इस अवसर पर मध्यप्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी है। सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से दिया जाएगा। आज हमारा अक्टूबर चल रहा है लेकिन हम आप सबको 1 जनवरी से देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार आप सबको पुनः बता। और मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने पर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी मांग 3% और महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की है। सीएम ने केवल जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है लेकिन जुलाई 2024 से 3% भी लागू किया जाए। कर्मचारी कुल 7% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। चार प्रतिशत महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को दिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारा निवेदन है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारा जुलाई 2024 से जो 3% बकाया है उसको भी प्रदान करें ताकि प्रदेश का कर्मचारी केंद्रीय दर व केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता का लाभ प्राप्त कर सके। और डीए को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस ने इसे अधूरा बताया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को 7% डीए बढ़ाना था लेकिन सरकार ने सिर्फ 4% डीए बढ़ाया। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से केंद्र के समान महंगाई भत्ता राज्य में लागू करने की मांग की है। और जो कर्मचारियों पेंशनर्स की मांग थी उसको केंद्र के समान लागू नहीं किया है। केंद्र महंगाई भत्ता दे रहा है 7% की दर से, राज्य दे रहा है 4% की दर से बढ़ाया, मतलब केवल 50% किया जबकि केंद्र 53% दे रहा है। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से फिर से वही मांग है कि केंद्र, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, आप ही लोग छाती पीट पीट के बोलते हैं, तो जैसा डबल इंजन है तो जैसा पावर ऊपर के इंजन में होगा वैसे ही पावर नीचे के इंजन में होना चाहिए। मोहन यादव जी ने जिस प्रकार का निर्णय लेकर सहृदय मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया और डीए में जो बढ़ोतरी की है ये मध्य प्रदेश में दीपावली के उत्सव में उमंग और उत्साह भर देगा, क्योंकि दीपावली का उत्सव है। इस उत्सव में उमंग होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, लेकिन आज भी देखिए जिस दुर्बुद्धि के नेता कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो आज भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर। और एमपी में डीए के साथ अब पुरानी पेंशन को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार पुरानी पेंशन आखिर कब लागू करेगी। सरकार पुरानी पेंशन को लेकर कोई बात नहीं करती है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन लागू करने की बात कही थी। कोरोना जैसे समय में कर्मचारियों ने जान हथेली पर रखकर काम किया था लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही। सरकार डीए बढ़ाने की बात करती है, केंद्र समान डीए मध्य प्रदेश में लागू होगा लेकिन सरकार ये कब बोलेगी कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो में था और हम लगातार उन कर्मचारियों के हित में मांग करते रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये समझना चाहिए कि जो लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके कोरोना के दौरान भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, काम में लगे रहे
ओल्ड पेंशन स्कीम अगर उनको मिल जाती तो क्या होता। मैं समझता हूँ कि सरकार को कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पे लागू करना ही चाहिए। और चलिए अब बात चुनाव की। एमपी और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत का विरोध देखने को मिला है। प्रचार के दौरान लोगों ने नाराजगी जाहिर की। नाराज लोगों ने रावत के सामने पेयजल का मुद्दा भी उठाया। उधर रायपुर में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला है। उपचुनाव बढ़ा सियासी तनाव। नेताजी के सामने जनता का दर्द। पोस्टर वॉर छत्तीसगढ़ में तकरार। प्रचार का बढ़ा शोर, प्रचार धुआं था। उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव का शोर बढ़ गया है। नेताजी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता अपना दुखड़ा नेताजी को सुना रही है। कहीं कहीं विरोध के स्वर भी हैं। विजयपुर विधानसभा में प्रचार कर रहे बीजेपी प्रत्याशी राम निवास रावत को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। एक महिला ने पेयजल की समस्या को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। उधर बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के लिए मंत्री कृष्णा गौर ने बुधनी विधानसभा के कई गांवों का तूफानी दौरा किया। कृष्णा गौर ने दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, इसे लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कांग्रेस में अंदरूनी कलह बताई गई है। पोस्टर में कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा को कांग्रेस नेता पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर और कन्हैया अग्रवाल कार्टून में दिख रहे हैं। साथ ही पोस्टर में लिखा है, तुझे जीतने तो नहीं देंगे हम। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक सियासी पारा हाई है। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब आपको चुनाव की एक अजब और गजब तस्वीर दिखाते हैं। रायपुर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सुनील सोनी प्रचार के दौरान मौलाना को गले लगा रहे हैं। साथ ही मौलाना को चूमने को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी क्या क्या करेगी। उधर बीजेपी ने वीडियो को फर्जी बता दिया है। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सुनील सोनी की मिलनसार छवि से कांग्रेसी भयभीत हैं। भी लगेंगे, चुम्मा भी लेंगे, सब चीज करेंगे। और सोच लीजिए कांग्रेस कितना मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, हाँ, चुम्मा लेने के लिए। तो अभी तो चुम्मा है, चुनाव के बाद उम्मा है। दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुनील सोनी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि पूरी तरह से फर्जी है, फेक है। और विपक्षी राजनीतिक दल के नेता सुनील सोनी जी की मिलनसारिता के स्वभाव से भयभीत होकर उनके प्रचार प्रसार और उन्हें जो जनमानस का सहयोग और समर्थन मिल रहा है उससे भयभीत होकर ऐसे वीडियो प्रचारित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस फेक वीडियो के लिए FIR दर्ज कराने वाली है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेगी। और एमपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष का जल्द ही चुनाव होगा। बीजेपी अध्यक्ष चुनने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हैं। प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और मंत्री संपत्तिया उइके के नाम चर्चा में चल रहे हैं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बेहतर कार्यकाल को देखते हुए रिपीट किए जाने की संभावना भी बनी हुई है।
बीजेपी में फिलहाल अध्यक्ष पद के लिए कई नामों की चर्चा है। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है, कई नेता अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है, इसीलिए नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पा रही है। मंडल से लेकर जिला और प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव निर्वाचन की कवायद होगी। निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी में सभी पदों पर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाएगा। यहां पद केवल सेवा का माध्यम होता है, जिसको भी पार्टी दायित्व देगी वो पार्टी को और ज्यादा मजबूती से आगे लेके जाएगा। हमें याद है बीडी शर्मा जी आखिरकार अध्यक्ष बने थे और उसके बाद उनकी 11 महीने कार्यकारिणी नहीं आ पाई थी, तो ये हाल है, अब ये अध्यक्ष नहीं आ पा रहे हैं। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, नीचे प्रदेश अध्यक्ष पे, तो या तो नेता की कमी है कि अध्यक्ष नहीं बना सकते, या भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो हालात सरफ टब्बल के हैं वो बनने नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब तक गुटबाजी नहीं खत्म कर पाएगी तो अध्यक्ष कैसे बनाएगी, देखते हैं कौन बनता है। मुख्यमंत्री की रेस भी बड़ी लंबी थी, बने कौन सबके सामने है। खबर उज्जैन से है जहां फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल बाबा महाकाल के दर्शन उन्होंने किए, लेकिन उनके दर्शन करने से विवाद खड़ा हो चुका है। विवाद दर्शन करने से नहीं बल्कि जिस तरह से उन्होंने दर्शन किए वो विवाद की वजह बन गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है निकिता पोरवाल मंदिर में ताज पहनकर दर्शन करती हुई दिख रही। इस ताज में ही विवाद का राज छिपा। महाकाल मंदिर के पुजारी हमेशा शर्मा ने जो है महेश शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल अवंतिका के राजा माने जाते हैं और उनके सामने किसी भी व्यक्ति को सिर पर पगड़ी टोपी या ताज पहनकर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन होता है। मिस इंडिया बनी है और उसको जो ताज मिला है वो गर्व की बात है उज्जैन के लिए, और भगवान महाकाल उसे और यशस्वी भी करे, लेकिन उस ताज का भगवान महाकाल के समक्ष पहन के जाना कम से कम थोड़ी सी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। वो वहाँ जाकर वो ताज हाथों में ले जाके भगवान महाकाल की यदि शरण में रख के और उनसे प्रार्थना करती तो उससे उसका मान भी बढ़ता, सम्मान भी बढ़ता, और ताज जो है उसके जो सर पे आया है वो सदैव बना भी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना थी। लेकिन मर्यादा के अनुकूल ऐसे लोगों को काम करना चाहिए। महाकाल मंदिर में ताज पहनकर दर्शन करने पर मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो बाबा महाकाल की बेटी हैं और अपने पिता के सामने क्राउन पहनकर वो गईं। उनकी माने तो वो ये बताने के लिए गईं कि उनकी बेटी ने सफलता हासिल की है, वहीं वो बाबा महाकाल को क्राउन अर्पित करने के सवाल से बचती नजर आई। मैं यही कहना चाहूंगी कि महाकाल बाबा की वजह से आज मैं हूँ जो वो हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, तो मैं अपने पापा के सामने भी ये क्राउन पहन के गई उन्हें बताने के लिए कि देखो आपने जो मुझे बनाया मैं आज वो हूँ। तो बाबा के सामने भी मैं क्राउन पहन के गई उन्हें दिखाने के लिए कि बाबा आपकी बेटी कुछ करके आई है, और मुझे पता है बाबा का पूरा आशीर्वाद मुझ पे है और वो वर्ल्ड का क्राउन भी मेरे सिर पे ऐसे ही बनाए रखेंगे। और टीवी एक्ट्रेस और आम आदमी पार्टी की नेता चाहत पांडे की मुश्किलें बढ़ गई। चाहत पांडे की मां की संपत्ति कुर्क होगी। चाहत पांडे की मां भावना पांडे के खिलाफ कोर्ट ने कुर्की का वारंट जारी कर दिया है। मामला लोन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने गाड़ी के लिए एक फाइनेंस कंपनी से लोन लिया लेकिन किश्त नहीं भरी। फाइनेंस कंपनी के वकील ने कोर्ट में केस किया तो कोर्ट ने भावना पांडे को 13,20,000 रुपए जमा करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने के बाद अब कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। और अब बात हम आगे बढ़ेंगे। इन्होंने एक कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस करवाया था जिसकी इन्होंने समय पर किस्तें जमा नहीं करी, जिसके चलते कंपनी ने इनके अगेंस्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की और वहां अवार्ड पारित किया गया। 4,60,000 के आसपास का एक अवार्ड पारित किया गया है जिसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन यहाँ दमोह जिला न्यायालय में चल रही है। पैसे नहीं देना चाह रही हैं कंपनी के, जिसके चलते फिर हमने न्यायालय में आवेदन किया कि हमें पुलिस बल की सहायता दी जाए कुर्की करने के लिए, और न्यायालय ने इस चीज़ को मानते हुए और आने वाली पेशी पर एक उपनिरीक्षक, एक प्रधान आरक्षक, एक महिला कांस्टेबल और एक मेल कांस्टेबल के साथ में अब
कुर्की करने के लिए जाएंगे। और अब बात दमोह से लापता हुई दो छात्राओं की करेंगे।